हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी सेहत के बारे में। आजकल लोग इतना बीमार क्यों होते हैं? अगर हम पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, पुरानी स्टोरीज पढ़ते हैं हजारों साल पहले की, तो हमें ये पढ़ने में मिलता है कि वहां उस टाइम पर लोग बीमार नहीं होते थे, उस टाइम पर उनकी एज इतनी ज्यादा होती थी, बीमारियां छू भी नहीं सकती थी। ऐसा क्या था उनके पास जो उनको बीमारियां नहीं छू सकती थी? वो सौ सौ साल जिंदा रहते थे और फिर भी हट्टे कट्टे रहते थे, ऐसा क्या था उनके पास? आजकल तो हमारे पास इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, तरह तरह की दवाइयां हैं, तरह तरह की फैसिलिटीज हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इतने सारे हो गए और फिर भी लोग बीमार हैं। इवन छोटे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। अगर आप एक बार, भगवान ना करे, कभी हॉस्पिटल जाना पड़े तो देखें वहां पर लोग कैसे मतलब अजीब अजीब तरह की बीमारियां। जितनी साइंस ने तरक्की की है उससे ज्यादा बीमारियों ने तरक्की कर ली है। जब हम छोटे थे कभी हमने हार्ट अटैक नहीं सुना था। आजकल तो हार्ट अटैक क्या, बीपीआई, शुगर, फिर कैंसर, फिर वो एचआईवी हुआ था, एक बड़ा हंगामा मचाया था एचआईवी ने भी। और उसके बाद अभी पुरानी बात क्यों, अभी की बात ले लो, 2019 में कोरोना आ गया। एक कोरोना ने सबको ऐसा डरा दिया कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी, स्टैंड स्टिल हो गई थी। ऐसा क्या है आजकल, क्यों होता है ऐसा? ये होता तो इंसान की गलती से। हमने अपने एटमॉस्फेयर को, हमने अपने वातावरण को, हमने अपने खान पान को, अपनी लाइफ को इतना बिगाड़ दिया है कि स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर अगर हम पीछे जाके देखें, पीछे मुड़ के देखें, और आजकल लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत ही आराम से वो लोग अपनी जिंदगी जीते थे, ज्यादा ऐसा कुछ करते नहीं थे। मतलब क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं थे, तो ज्यादा उनके पास ना टीवी था, ना फोन था, पैदल चलते थे, गाड़ियां नहीं थी, और मजबूत रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे। आजकल सुविधाएं ज्यादा, सेहत कम। जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतनी ही सेहत कम होती जा रही है। पहले लोग साइकिल पर चलते थे, तो और साइकिल से फिर उन्होंने टू व्हीलर लिया, फिर गाड़ी ली, कि साइकिल पर स्पीड कम रहती है इसलिए टू व्हीलर और गाड़ियां लेते हैं। और जब गाड़ी लेने के बाद गाड़ी से ही फुर्र करके चले गए, यहां से वहां, चलना बंद हो गया, फिर हो गए बीमार। फिर क्या हुआ, जिम में जाके खड़ी हुई साइकिल को चलाते, ओह ओह ओह, स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, और फिर सोचते कि हम हेल्दी हो। हेल्दी ऐसे नहीं होते हैं। हेल्थ को अच्छी रखने के लिए बहुत कुछ करना। अगर मैं कहूं कि हम अब भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं, 80, 90, 100 की उम्र तक भी बीमारियों से बच सकते हैं, तो शायद थोड़ी सी आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लेकिन मैं साथ में ये भी बात करूंगी कि हम ऐसी चीजों से हेल्दी रह सकते हैं जो माँ प्रकृति ने हमें दी हैं, और अगर हम उसको उसी रूप में यूज करते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। और आज मैं सिर्फ पांच ही चीजों की बात करूंगी जिसको आप रामबाण कह सकते हैं। वो चीजें लगभग मुफ्त हैं, 15-20-25 रुपए तक आ जाती हैं, और अगर उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लाखों के दवाइयों के खर्चे से बच सकते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर से बच सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं वो कौन सी चीज है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हेल्दी रहने का ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर। वो पांच चीजें किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना होगा ना, तो ये पांच चीजें भी संजीवनी की ही जैसी हैं। हम अपने आप को साफ रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? अपने तन की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, नहा धो के धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं और सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। अंदर की सफाई के लिए क्या करते हैं? अंदर के लिए तो कोई ऐसा साबुन नहीं बना, ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी जो हमारे अंदर से साफ कर दे। तो ये हमारी बॉडी जो है ये मल्टीपर्पज है, ये वॉशिंग मशीन भी है, ये आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन मशीन भी है, और बहुत सारे काम ये खुद ही करती है अगर हम इसको करने दें सही तरीके से। तो हमारा जो लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो हमारे शरीर को गंदा करती है। हमें खाना खाना होता है अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, हमें खाना खाना होता है अपने आप को ताकतवर बना के रखने के लिए, लेकिन हम खाना खाते हैं अपने स्वाद के लिए, हमारी इस 2 इंच की जीभ को जो अच्छा लगता है उसी को खाते हैं। और आप यकीन मानिए, जीभ का जो स्वाद होता है ना वो सिर्फ यहीं पर है। अगर आप उस खाने को खूब चबा देंगे और लिक्विड कर लेंगे अपने मुंह में ही, तो उसका स्वाद गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या खाया है।
सिर्फ ये आगे की जो टिप है ना उससे आपको स्वाद का पता चलता है, और उसी को खुश रखने के लिए हम उल्टा सीटा अनस्टेंट खाते रहते हैं। चाउमीन खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, नमकीन खा ली, और केक खा लिया, पेस्ट्री खा ली, सिर्फ इस जीव को खुश कर रही है। ये फिर आपको बीमार कैसे करती है कि हर एक जो खाना हम खाते हैं उसका हजम होने का टाइम अलग अलग होता है। जैसे अनाज जो है वो अगर ज्यादा रिफाइंड खा लिया तो 18 से 20 घंटे में हजम होता है, अगर हमने सब्जी खाई तो 6-7 घंटे में हजम होती है, और फ्रूट खाया तो 3-4 घंटे में वो हजम होता है। लेकिन हम अपने दिन भर में अगर काउंट करें तो हम ज्यादातर अनाज खाते हैं, चाहे चावल खाया, चाहे गेहूं खाया, और वो अनाज भी हम जो है वो रिफाइंड खाते हैं। बहुत से लोग ब्रेड से अपना नाश्ता शुरू करते हैं, दिन में पिज्जा मंगवा के खा लेते हैं, रात को कुछ और ऐसी चीज खा लेते हैं जो 18-20 घंटे में भी हजम नहीं होती हैं और वो हमारे स्टमक में पड़ी रहती हैं। वो 3 जगह पर गंदगी पैदा करती हैं, हमारी फूड पाइप से लेके वो स्टमक में जाती हैं, वहां से फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ये चीजें हैं जब ये हजम नहीं होती हैं तो ये वॉल्स के आसपास वहीं पर चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद वो सड़ती हैं। खाना तो अगर हम फ्रिज से बाहर रख दें वो भी 2 दिन के बाद सड़ जाता है, तो वो जो चिपकी हुई चीजें हैं वो सांस ये फूड पाइप में, पेट में या आंतों में पड़ के सड़ती हैं और बैड बैक्टीरिया क्रिएट करती हैं। तो हमें इस बैड बैक्टीरिया को क्लीन करना है, ये है अंदर की सफाई। अगर ये अंदर की सफाई नहीं हुई, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो गुड बैक्टीरिया को पनपने नहीं देंगे और हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकी तो हमारे 1000 बीमारियां हमें लग जाएंगी, हम बीमारियों के बन जाएंगे घर, और हम खाना खाएंगे कम और मुठियां भर भर के दवाई खाएंगे। तो बहुत जरूरी है ये इसको साफ रखना, इस गंदगी को बाहर निकालना, और उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए ये जो 5 चीजें मैं बताने वाली हूँ ये आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है नीम। नीम एक आम सा पौधा है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर जगह पर नीम होता है, और ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। नीम को बहुत तरीके से दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है, फोड़े फुंसी हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, नीम को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अंदर की सफाई की बात कर रही हूँ, तो नीम को खाना है। जब नीम की नई पत्ती आती, जिस सीजन में ये नई पत्ती आती जिसको नीम की कोपल बोलते हैं, अगर आप 5-6 कोपल रोज खा लेते हैं, नई नई ज्यादा दिन नहीं रहती है, वो नई नई जो कोपल होती है आपने अगर 10-15 दिन भी खा ली तो आपका साल भर के लिए ब्लड प्यूरिफाई हो गया, साल भर आपको आपका जो गंदगी थी वो निकल जाएगी और आपको स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो बैड बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। नीम को अगर आप खा नहीं सकते हैं तो नीम के पत्तों को उबालकर और वो जो पानी होता है वो उसको चाय की तरह पी सकते हैं, कड़वा होता है। अगर आपको ज्यादा कड़वा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह है वो हनी ना मिलाएं, डायरेक्ट ही पिए तो ज्यादा अच्छा है, और डायबिटीज के लिए तो ये रामबाण दवा है। बहुत सारे लोगों को मैंने दवा बताई और सभी का ये जो रिव्यू आया है कि ये पीने के बाद उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई है और दवाइयां बंद हो गई है। लेकिन जो अगर किसी को डायबिटीज है तो मेरे कहने से दवाई मत बंद करना प्लीज। मैं दवाई बंद करने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप अपनी दवाइयां खाते रहें, उसके साथ अगर नीम को यूज करते हैं तो आपका डॉक्टर खुद बंद करेगा दवाइयां। नीम खाने से हल्के फुल्के जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, सीजनल इन्फेक्शन हुआ या फोड़े फुंसी हुई बारिश के दिनों में बहुत हो जाते हैं, स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई, एक्ने पिंपल हुए, ऐसी चीजें, किसी के बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नीम से दूर हो जाएगी। तो नंबर 1 पर था नीम। नंबर 2 पर है आंवला। आंवला को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। आंवला एक ऐसी चीज है जो आपके तीनों दोषों को शांत करती है। कौन से दोष हैं? कफ, वात और पित्त, उनको बैलेंस में रखती है, और इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस अगर नहीं होगा तो आपको परेशानियां हो जाएंगी। अगर आपका जैसे कफ बढ़ जाता है तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपका अगर पित्त बढ़ जाता है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो इस तरीके से अगर आपका वात बढ़ता है तो आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए, इन तीनों दोषों को बैलेंस में रखने के लिए आंवला बहुत अच्छा है। आंवला को आप कई तरीके से खा सकते हो, और ये साल में 3 महीने तक लगातार आते हैं, अभी चल रहा है आंवला,
ये दिसंबर से शुरू हो गया था, जनवरी फरवरी तक रहेगा। आप ये 3 महीने 2 आंवले रोज खा लो, देखो आपका आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। डेली खाना है, आंवले को ज्यादा पकाना नहीं है, आंवले का मुरब्बा वगैरह भी नहीं खाना है क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। आंवले को अगर आप कच्चा खा पाए, चाहे चटनी बना के चाहे जूस लेके, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आंवला आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 3 पर आते हैं हल्दी। हर एक की किचन में होती है, सब्जी में अच्छा रंग लाने के लिए हम हल्दी को यूज करते हैं। हल्दी भी इसके अंदर करक्यूमिन होता है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अंदर करक्यूमिन होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो आपकी बॉडी को का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हल्दी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। हल्दी का रात को दूध अगर पी के सोते हैं, गर्म दूध में हल्दी डाल के पी के सोते हैं, और साथ में एक एक चुटकी उसमें ब्लैक पेपर डाल लेना चाहिए, तो हल्दी के गुण और कई ज्यादा कई गुना बढ़ जाते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है और साउंड स्लीप तो अच्छी सेहत के लिए साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। तो आप उसको इस तरीके से दूध के साथ पी सकते हैं। अगर कुछ लोग वीगन है, दूध नहीं पीना चाहते, तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के अगर पिए तो वो आपको बहुत फायदा करेगी। ब्लड प्यूरिफाई होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और डाइजेशन अच्छा रहेगा। नंबर 4 आजकल इस नंबर 4 पर जो चीज है उसके लिए लोग बहुत जागरूक हो गए, लेकिन ज्यादातर स्किन के लिए और बालों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये चीज आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वो है ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा। एलोवेरा का जूस डेली अगर खाली पेट पिया जाए तो बहुत फायदेमंद होगा। अब आप ये कहेंगे कि डेली क्या क्या पिए, डेली हल्दी का दूध पिए, डेली आंवला खाएं, डेली हम नीम पिए या डेली हम एलोवेरा पिए, तो हम क्या क्या पिए, ये आप डिवाइड कर सकते हैं। सारी चीजें आपने एक दिन नहीं पीनी, आप इसको अलग अलग दिन में पी सकते हैं। और नंबर 5 पर आता है फिट करी यानी कि एलम। एलम को तो पारस भी कहा जाता है। पारस पत्थर के बारे में आपने सुना होगा कि जिस भी चीज को टच कर देगा तो वो सोना बन जाएगी, उसी तरीके से फिटकरी है, जिस भी बीमारी को टच करेगी उस बीमारी को भगा देगी। फिटकरी को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो दांत में दर्द है, तो फिटकरी को पानी में डाला, एक घूंट पानी में फिटकरी का टुकड़ा डाला, एक बार ऐसे हिलाया, फिटकरी को बाहर निकाल दिया और उस पानी को 2 मिनट के लिए मुंह में रख के रिंस कर लिया, ऐसे किया और फिर थूक दिया, बहुत जल्दी दांत का दर्द ठीक हो जाता है और ये रूट कैनाल जैसी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं अगर ऐसे किया तो। अगर किसी के दांतों में पायरिया का प्रॉब्लम है तो फिटकरी से सेप्टिक भस्म बनाएं। इसका कैसे बनानी है वो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और उस भस्म को अगर आप अपने गम्स के ऊपर लगाते हैं, दांतों के ऊपर लगाते हैं, तो पायरिया का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ हमारे आसपास मिलती है, बड़े आराम से मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं और बहुत फायदेमंद है। और जब आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आप अपने आप को सैकड़ों बीमारियों से बचा लेंगे। सैकड़ों बीमारियों से बचने का मतलब है कि आप अपना लाखों हजारों रुपया बचा लेंगे, आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन ये जादू की पुड़िया नहीं है, इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह तो करनी पड़ेगी, है ना, खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने खाया तो उल्टा सीधा जंक खा लिया, ऊपर से नीम पी लिया तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको अपनी अपनी सेहत की तरफ जागरूक होना पड़ेगा, इस टेस्ट को भूलना पड़ेगा, हेल्थ को देखना पड़ेगा। तो देखिए आप अपनी हेल्थ को, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।